हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं हमारा जामिल कंपनी का कूल लाइन पैकेज एयर कंडीशनिंग है जो नॉट वर्किंग है। इसमें हम लोग अभी देखिए चालू कर दिए हैं, लेकिन यह पावर ऑन है, लेकिन फिर भी हमारा ये सिस्टम क्या हो रहा है, जो ब्लोअर मोटर है हमारा नॉट वर्किंग में है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए, जैसे कि इसमें पीसीबी बोर्ड में पावर आपको दिखा रहा है, जैसे कि पावर की एलईडी जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना ही हमारा ब्लोअर चल रहा है ना ही हमारा कंप्रेसर चल रहा है। ओके दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, कि क्यों हमारा ब्लोअर क्यों नहीं चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और चेक करेंगे, देखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि जब ब्लोअर नहीं चल रहा है तो जो पीसीबी से हमको देखिए पीसीबी में तो अभी पावर आ रहा है, तो जो पीसीबी में पावर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर और जो भी इसका फेस न्यूट्रल है, यहाँ तक पीसीबी तक हमको पावर मिल रहा है। जो पीसीबी से हमारा आउटपुट मिलता है थर्मोस्टेट के लिए, तो सबसे फर्स्ट हम लोग हमारा पॉइंट होता है वो चेक करने के कि थर्मोस्टेट को पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर थर्मोस्टेट में पावर जा रहा है तो उसके बाद रिटर्न आता है कि नहीं आता है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे जो हमारा पीसीबी से यहाँ से पावर आउटपुट हुआ है वो सीधा हम लोग देख लेते हैं पहले हमको पावर मिल रहा है कि नहीं। आरसी जो होता है थर्मोस्टेट के लिए पावर जाता है, तो हम लोग फर्स्ट इसको चेक कर लेंगे। देखिए इसमें हम चेक कर रहे हैं तो अभी 25 वोल्ट 26 वोल्ट, यानी कि हमारा जो पीसीबी है वो काम कर रही है और पीसीबी से जो हमको पावर आउटपुट है वो सीधा हमारा थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है। तो एक जब यहाँ से आरसी निकलता है तो सीधा यहाँ पे आता है एलबीटीबी में, तो एलबीटीबी से जो एलबीटीबी से हमको जो आउटपुट देखिए हमारा थर्मोस्टेट के लिए जो पावर गया है यहाँ से ये पावर गया है और वह थर्मोस्टेट से हमको ये रिटर्न तीन आता है, एक वह ब्लोअर के लिए आता है और एक कंप्रेसर वन के लिए और कंप्रेसर टू के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि हमारा आरसी कंप्रेसर के लिए जा वहाँ पे सॉरी थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है कि नहीं। तभी देखिए हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा 27 वोल्ट है थर्मोस्टेट के लिए पावर जा रहा है, थर्मोस्टेट हमारा पावर जा रहा है और थर्मोस्टेट से जो उसमें हम लोग चेक किए तो कि ऑन है उधर से। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा थर्मोस्टेट से जो पावर आउटपुट है हमको ब्लोअर के लिए मिल रहा है कि नहीं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग उसको देख लेते हैं कि जो हमारा पावर है थर्मोस्टेट से आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए हम इसको देख रहे हैं, यानी कि थर्मोस्टेट से जो पावर आया है वो सीधा हमको पावर यहाँ पर मिल रहा है, हमारा थर्मोस्टेट से ऑन है और हमको पावर भी मिल रहा है, तो वो पावर हम भी हमारा किधर जाता है इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए जो थर्मोस्टेट से जो आया जी से जी को देखिए यहाँ पे जी के बाद से 19 नंबर केबल है, यहाँ से 19 नंबर केबल, ये केबल सीधा कहाँ पे जाता है, ये केबल सीधा जाएगा हमारा जो उसका ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर है उसका ओवरलोड में आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, या तो हमारा केबल भी ब्रेक हो सकता है कभी तो हमको पावर नहीं मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ओवरलोड पे पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरलोड पे एक पॉइंट रख के और यहाँ से हमको सी से न्यूट्रल पकड़ के देखेंगे कि पावर आ रहा है कि नहीं। देखिए अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट पावर हो रहा है, तो जब इन केस कभी भी हमारा जब ब्लोअर मोटर क्या होता है कि कभी एम्पियर ज़्यादा ले लेता है, कभी उस पर लोड ज़्यादा आता है, वो एम्पियर ज़्यादा लेता है, उसी टाइम में हमारा मोटर क्या होता है ओवरलोड में ट्रिप हो जाता है। और ये हमारा सेफ्टी के लिए क्या होता है, ये जो ओवरलोड रिले है ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, इन केस कभी भी हमारा मोटर हाई एम्पियर में जाएगा उसी टाइम में हमारा ट्रिप कर देगा और हमारा जो मोटर है वो सेफ हो जाएगा। इसलिए ओवरलोड में कभी भी फर्स्ट जो कमांड आएगा यहाँ से जी आता है वो सीधा ओवरलोड में जाएगा, ओवरलोड अगर हमारा ठीक है तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो सीधा पीसीबी में आएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसमें आउटपुट इसका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारा मोटर है वो ब्लोअर मोटर वो ओवरलोड में ट्रिप हो गया है। इनकेस ऐसा कभी कभी हो जाता है, अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट कभी आपका ज़्यादा जास्ती अभी कभी टाइट कर दिए हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो मोटर है वो हाई एम्पियर में जाने लगता है, तो इसलिए कभी भी आप लोग अगर बेल्ट चाहे कुछ भी डालते हैं तो उसको थोड़ा लूज में रखें, तो मीडियम में रखना चाहिए ताकि हमारा जो मोटर पर ज़्यादा लोड ना आए। तो अभी हम लोग इसमें चेक कर रहे थे तो इसमें जो पावर आ रही थी लेकिन इसका आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, तो हम आउटपुट लेने के लिए हमको क्या करना है, जो ये ओवरलोड का ये नॉब होता है इससे रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमको चेक किए तो हमको पता चला इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। अभी देखिए जैसे कि हम इन में चेक किए, इन में हमको पावर 23 वोल्ट 27 वोल्ट ऐसा आ रहा है, तो आउटपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आउटपुट में देखिए 2.4 वोल्ट मिल रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ओवरलोड है ये ओवरलोड उसको ट्रिप कर दिया। तो अभी हम इसको ओवरलोड को रीसेट करके देखेंगे कि हमारा ब्लोअर मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी देखिए हम इसको रीसेट कर रहे हैं, देखिए इसको रीसेट किए हमारा ब्लोअर मोटर वर्किंग हो गया। और अभी मैं आपको एम्पियर भी दिखाता हूँ कि हमारा ब्लोअर मोटर कितना एम्पियर ले रहा है। एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस कंडीशन में क्या होता है कि अभी देखिए हमारा एम्पियर भी 5.7 एम्पियर ले रहा है, और जो हमारा सेट पॉइंट है ओवरलोड का सेट पॉइंट है वो करीब 15 या 16 एम्पियर तक सेट है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा इनकेस कभी कभी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको अगर आप कभी भी ब्लोअर का ओवरलोड चाहे कंप्रेसर का ओवरलोड रीसेट करते हैं उसी टाइम आप मीटर लगा के रखें, ताकि इनकेस अगर आपका कंप्रेसर चाहे मोटर कुछ भी हाई एम्पियर लेगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो क्यों ट्रिप किया। तो अभी हम देखिए रीसेट किए हैं तो हमारा जो मोटर है ब्लोअर मोटर नॉर्मली वर्किंग में है। तो उसके बाद अब देखिए जो ये दोनों जो केबल है ये हमारे BMS सिस्टम के लिए देखने के लिए होता है कि जो BMS पे दिखाता है कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो अभी देखिए यहाँ से जी जब आएगा, जब ऐसे हम रीसेट किए ये जो G1 है ये G1 सीधा देखिए यहाँ पे आता है जहाँ से RC आउटपुट हुआ था, यहाँ पे देखिए RC आउटपुट हुआ था। तो अब यहाँ पे G1 केबल से पावर आता है, ये G1 देखिए G1 से यहाँ पर आपको पावर मिलेगा, ये देखिए यहाँ से G1 से देखिए यहाँ से पावर मिलेगा। तो आपको सीधा जैसे यहाँ से ओवरलोड ओके होगा ये पावर सीधा रिटर्न आएगा यहाँ पे G1 PCB बोर्ड में, और PCB बोर्ड से ये हमारा सब ओके इसके बाद जाके रिले का कॉइल बोर्ड पकड़ेगा, और रिले से हमको ये 14 नंबर का केबल आउटपुट करेगा वो सीधा आके है कॉन्टेक्टर का कॉइल बोल्ट पकड़ेगा। ये जो हमारा PCB है ये 12 वोल्ट पे काम कर रही है, और जो इसमें घूम रहा है ये सब 24 वोल्ट पे है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से देखिए अब इसमें 220 वोल्ट हमारा आ गया है और कॉन्टेक्टर भी वर्किंग में है और हमारा वोल्टेज भी बराबर है अभी। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से कभी भी आपका अगर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है चाहे कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो इस तरह भी चेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा जो आपका प्रॉब्लम है वो आसानी से मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो कम से कम वो टैगिंग जो एक जरूर होता है टैगिंग को देख के चलिए कि किस तरीके से कैसे टैगिंग है, उसके हिसाब से भी अगर आप लोग पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, वीडियो को आने तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।